हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल गुरुजी। और गाइस, मैं हूं नाचू और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक लेकर आया हूं। तो सबसे पहले इस मैजिक को मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद सिखाऊंगा भी कि इस मैजिक को किस तरीके से किया जाता है। सो गाइस, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक अपना सब्सक्राइब नहीं किया है और नया नया मैजिक ट्रिक सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है उसको भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर नया नया मैजिक ट्रिक सिखाते रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आज जो मैं मैजिक ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये एक फूल का बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक है। सो गाइस, इससे पहले भी हमने दो फूल का मैजिक ट्रिक आप लोगों को करके सिखाया है, एक रंग बदलने वाला फूल का, मतलब कि कलर चेंज करने वाला, और दूसरा गायब करने के बाद फिर वापस ले आने का जादू आपको सिखाया है यूट्यूब में। अगर वो भी मैजिक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, उसका लिंक जाके देख सकते हैं। और गाइस देखिए, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फूल का जादू। सो गाइस, देख सकते हैं मेरे पास एक फूल है और इसमें आप गुलाब भी कह सकते हैं इसको। तो ये करता क्या है और में क्या जादू होता है, मैं चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा है और इसके आसपास में कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सामने से दिखा देता हूं, देख लीजिए, ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा, घुमा फिरा के मैं दिखा देता हूं, बिल्कुल नॉर्मल सा एक फूल है। तो इसमें जादू क्या आता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके आसपास में कुछ भी नहीं है, जैसे कि रस्सी हो, कोई रोप हो या कोई इनविजिबल थ्रेड हो, कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है, चलिए सबसे पहले दिखाते हैं। सबसे पहले तुम एक काम करो, जितने भी मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहा है या तुम्हें देख रहा है, देखो कितना प्यार दे रहा है हमें भी तुम्हें भी, तो इसलिए इन लोगों के सामने एक बार तुम्हारा सिर जो है झुकाओ, सबको सलाम करो। तो गाइस देख सकते हैं, ये आप लोगों को सलाम कर रहा है कितने अच्छे तरीके से। तो एक काम करो, अच्छे तरीके से सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, हाँ अच्छे तरीके से सीधा हो जाओ, बिल्कुल खड़ा हो गया है। देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, रोप हो या थ्रेड हो, कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब एक काम करो, अभी तो मेरे फ्रेंड्स के सामने झुका, एक बार मेरे सामने झुक जाओ तो अच्छे तरीके से पता चल जाएगा एंगल से किस तरीके से तुम झुक रहे हो। तो झुको अच्छे तरीके से मुझे, हाँ मेरे सामने। तो गाइस देख सकते हैं ये बिल्कुल झुक गया है मेरे सामने, और अगर आप चाहे तो इसको आप मतलब खड़ा भी नहीं कर सकते हाथ के माध्यम से। देखिए, अगर मैं चाहता हूँ इसको खड़ा करने के लिए तो ये खड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये खड़ा नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो जब तक मैं इसको नहीं कहूँगा खड़ा होने के लिए तब तक ये खड़ा नहीं होगा। तो देखिए ये खड़ा नहीं होगा, तो चलो अभी खड़ा हो जाओ, चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बिल्कुल सीधा हो जाओ, स्ट्रेट हो जाओ। तो गाइस देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। तो जब मैं फिर से कहूँगा झुकने के लिए तो झुक जाएगा, चलो झुक जाओ बिल्कुल एक चुटकी के माध्यम से। तो गाइस देख सकते हैं ये झुक गया है, और अभी फूंक लगाते हैं तो फिर इस स्ट्रेट हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। सो गाइस, इसको चाहे तो आप बहुत सारे तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर आपका आपका कोई गर्लफ्रेंड हो उसके सामने दिखा सकते हैं, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है उसको दिखाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से दिखाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि देखो ये गुलाब जो है तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, ये तुम्हारे सामने भी झुक जाएगा, तो वो विश्वास नहीं करेगा। आपको तब दिखाना है कि देखो मेरे पास एक गुलाब है, मैं चाहूँ तो इसको तुम्हारे कदमों में कर सकता हूँ, कैसे ना ऐसे, चलो कितना प्यार करते हो, कितना मोहब्बत करते हो, थोड़ा दिखाओ। तो तब आपको जो कि है ये गुलाब इस तरीके से उन लोगों के सामने क्या वो या उनके सामने इस तरीके से झुक जाएगा, झुका के भी आप दिखा सकते हैं और फिर खड़ा करके भी दिखा सकते हैं। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार मैजिक है। तो चाहे तो आप भी अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आसपास में कहीं पर भी इस मैजिक को आप बहुत ही आराम से दिखा सकते हैं। सो गाइस, चलिए आप सिखाते हैं इसको किस तरीके से किया जाता है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और नया नया मैजिक सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है उसको भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरीके का नया नया मैजिक सिखाते रहता हूँ। सो गाइस, अगर आप इस मैजिक को खरीदना चाहते हैं, अगर इसके जैसा और भी नया नया मैजिक आइटम खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आपको फ़ोन नंबर देखने को मिल जाएगा, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर है सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ओपन रहता है और 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ओपन रहता है। इन दोनों टाइम के अंदर आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। और फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप पैसा पहले भी भेज सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शॉप मेरा खुद का है और उस नंबर पर कॉल करेंगे तो मेरे भाई का साथ ही आपका बात हो जाएगा, ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी जो होता है, जैसे कि आप सामान लेंगे और पैसा देंगे हाथों हाथ, तो ये भी होता है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी करने के लिए जो सामान यहाँ से जाएगा आपके घर तक, उसका खर्चा सिर्फ आपको पहले लग जाएगा, मतलब आपको पहले डालना पड़ेगा, और सामान का जो पैसा होगा वो सामान जब आप हाथों हाथ लेंगे तब आप हाथों हाथ दे देना, ऐसा भी हो सकता है। तो डिटेल्स जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं इसको किस तरीके से किया जाता है। सो गाइस, ये जो गुलाब है ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा गुलाब जैसे कि बनाया जाता है उस तरीके से बनाया गया है, नॉर्मल सा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा सिस्टम भी है। कैसा सिस्टम, चलिए मैं बताता हूँ।
तो इस मैजिक को करने के लिए आपको इस हैंड की या इस हैंड की ज़रूरत पड़ेगा, एक हाथ में आपको ट्रिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं कर रहा था इस उंगली से, ठीक है, आप चाहे तो इस उंगली से भी कर सकते हैं, ठीक है, सबसे बेटर रहेगा ये वाला उंगली। तो गाइस देख सकते हैं इसके इसके नीचे में एक अंगूठा जैसे बनाया गया है, ठीक है, अंगूठा देख सकते हैं, ये जैसे अंगूठी होता है ना, ये इसके जैसा बनाया गया है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर इस तरीके से उंगली को डाल देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको डाल लेना है। और आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, यहाँ पर नहीं पकड़ना है, आपको बहुत ही नीचे पकड़ना है, बिल्कुल यहाँ पर पकड़ पाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, नीचे। अब इस तरीके से पकड़ लेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपको बिल्कुल यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से आपको पकड़ना पड़ेगा। और पकड़ने के बाद क्या करते हैं, ना इस उंगली को नीचे की तरफ खींचते हैं, तो खींचने से क्या होता है, ये झुक जाता है, लग रहा है कि झुक जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये झुकता नहीं है, मतलब झुकाना पड़ता है। किस तरीके से, ना देखिए इस अंगूठी को, मतलब इसके अंदर आप उंगली डाल के इस तरीके से नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये खुद ब खुद टेढ़ा हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर का जो है थ्रेड दिया गया है, ठीक है, इसको खींचने से ये झुकता है। ओके गाइस, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ये देखिए इस उंगली को हमने इसके अंदर डाला और डालने के बाद इस तरीके से हमने पकड़ लिया। अगर आपके सामने इधर ऑडियंस है तो हाथ को आप इस तरीके से करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पर पकड़ना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर पकड़ेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको नीचे पकड़ना पड़ेगा, जितना नीचे आप पकड़ सकते हैं उतना नीचे आप पकड़ लेना, सबसे बेटर रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ और पकड़ने के बाद देखिए थोड़ा सा उंगली को ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो आप जितना नीचे पकड़ेंगे उतना अच्छा मैजिक कर पाएंगे। और देखिए ये जो टेढ़ा फूल होता है ये एक ही साइड से होता है, अगर आपको इस तरीके से इधर से आपको झुकाना है फूल तो स्ट्रेट करने के बाद आपको फूल को इस तरीके से घुमाना पड़ेगा और इस तरीके से आपको टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत ही आराम से और बहुत ही सिंपल से सबके सामने इस मैजिक को दिखा सकते हैं। सो गाइस, अगर आप इस तरीके का नया नया मैजिक आइटम खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पूरा डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। और गाइस अगर मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, जाकर फॉलो कर सकते हैं। और मेरा जो दूसरा चैनल है यूट्यूबर नाजू, उस चैनल पे अगर आप मुझे मतलब देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मेरा नया नया वीडियो देखने को मिल जाएगा, कॉमेडी वीडियो और मेरा पर्सनल वीडियो, तो उस चैनल का लिंक भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस चलिए आज इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।